स्टूडेंट आई एम अनिता निषाद फ्रॉम मक्सर स्कूल. टुडे वी आर राइटिंग योर मैथ्स वर्कबुक पेज नंबर 116 क्वेश्चन नंबर 36 एड. आपको यहाँ पर वर्टिकल एडिशन दिया हुआ है पहले, फिर आपका हॉरिजॉन्टल एडिशन है. तो आपने पहले भी यहाँ पर आपके वर्कबुक में आपने ये एडिशन सीखा था. अब यहाँ पे आपका इसका रिवीजन है, तो आप ये कंप्लीट करेंगे आपकी वर्कबुक में. स्टूडेंट अब तक आपको बहुत अच्छे से एडिशन आ चुका है क्योंकि आपने इसको पहले भी किया है. 0 + 8 8, तो आपको क्या राइट करना है, 8. फिर 1, आपका 0 + 8 8, फिर 1 बचा तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 0 होता है, तो 1 का 1 हम नीचे उतार लेंगे. आपका 2 डिजिट का ये एडिशन है, स्टार्ट हुआ है, तो 3 + 4, तो हम काउंट कर लेंगे 3 आफ्टर 4 5 6 7. ओके, 4 फिंगर हमने काउंट किया, 3 आफ्टर 4 7, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 7. फिर 1, तो 1 हम यूं ही आपका, क्योंकि 1 के नीचे जो नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 है, तो 1 + 0 1, तो आपने क्या राइट किया, 1. तो 1 13 + 4 = 17. 2 + 1 2 + 1 3, तो आपको 2 आफ्टर 1 फिंगर काउंट करना है, 3. तो आपने 3 राइट किया, और 1 के नीचे 0 है, तो 1 + 0 1, क्योंकि 0 तो कोई नंबर होता नहीं है. इसी तरह से 4 + 5, आपने पहले भी एडिशन सीखा उस तरह से कि पहले नंबर को माइंड में रख लो एंड सेकेंड नंबर जो है वो आप फिंगर में काउंट करो. तो 4 + 5 4 in my mind 4 on my finger. ओके, 4 आफ्टर 5 फिंगर आप काउंट कर लो, तो 5 6 7 8 9, तो आपको यहाँ पर 9 राइट करना है. और 1 + 0 1. ओके, 1 + 6 6 इन माय माइंड 1 on my finger. 6 after 1 7, आपने 7 लिखा. आप पे कोई भी नंबर, जो बिग नंबर है वो आप माइंड में रखो, और जो छोटा नंबर है जिसे आप फटाफट काउंट कर लो वो आप फिंगर में रखो. और 1 है तो आप, क्योंकि 0 है तो 1 + 0 1. 7 + 6 7 in my mind 6 on my finger, तो 7 after 6 काउंट कर लो. 8 9 10 11 12 13 14. ओके, आपको इस तरह से काउंट करना है स्टूडेंट. सो स्टूडेंट हम इसे फिर से काउंट करेंगे. चलो 7 को आपने माइंड में रखा, 7 in my mind 6 on my finger. जब हमारे फिंगर में 5 फिंगर है, उसे हमें ज़्यादा नंबर काउंट करना है, तो हम बॉक्स, फिंगर बॉक्स का यूज़ करते हैं. तो 1 2 3 4 5 6, 7 in my mind और 6 on my finger. तो इस तरह से 7 after 6 सिक्स बॉक्स काउंट कर लो. 8 7 after 8 9 10 11 12 13, तो आपका 13 होता है. इस तरह से मिस्टेक भी नहीं होगी आपको. तो 7 + 6 13, आपने यहाँ पर 13 राइट किया. देन 8 + 0 8, और 1 के नीचे तो 0 है क्योंकि कोई नंबर नहीं है, तो 1 + 0 1. तो स्टूडेंट इस तरह से आपको ये सब कंप्लीट करना है. 6 को, पहला नंबर को माइंड में रखना है, दूसरा आपके फिंगर पर, और उसे काउंट कर लेना है. तो स्टूडेंट आपका ये रिवीजन चल रहा था क्योंकि पहले आपने एडिशन इसी तरह से सीख लिया है, और अब आपको ये पूरा पेज इसी तरह से, पहले नंबर को माइंड में रखिए, दूसरा नंबर फिंगर रखिए, जो आपको ईजी पड़े उस तरह से आप करिए. काउंट करने का यही एक तरीका है कि आप नंबर माइंड और फिंगर में रख के काउंट करिए. ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट आपको ये पूरा पेज आपकी वर्कबुक में आपको काउंट करके कंप्लीट करना है, और एक तरह से आप रिवीजन करेंगे उसमें, क्योंकि आपको प्लस आ ही चुका है. आपने टेस्ट में, प्री टेस्ट में बहुत ही अच्छे से पेपर दिया, सबको अच्छे मार्क्स हैं, सबको फुल मार्क्स है. तो इस तरह से एडिशन आपका 2 डिजिट का एडिशन है. अब जब आगे बढ़ेंगे आप, तो आपका वर्टिकली दोनों 2 डिजिट का होगा. इस तरह से आपको काउंट करके ये पूरा पेज कंप्लीट करना है स्टूडेंट. तो अब आपका है आपका हॉरिजॉन्टल एडिशन. आपने अभी तक वर्टिकल एडिशन सीखा किया,
आपने पहले भी इसको आपने कर लिया है आपके वर्कबुक में, अभी यहाँ पर रिवीजन करेंगे। 15 प्लस 3, आप ऐसे भी काउंट कर लो 15 प्लस 3, या फिर आपने देखा 1 5 और उसके नीचे 3 होगा, तो आप इस तरह से भी काउंट करो कि वंस पहले काउंट कर लो 5 प्लस 3 8 और 1 आप यहाँ पर ऐड करो, तो 5 प्लस 3 8 एंड 1 18, तो 15 प्लस 3 18, 15 आफ्टर 3 काउंट कर लो 16 17 18, तो आप दोनों तरीके से काउंट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। 4 प्लस 2, पहला वंस आप प्लस करो, वंस वंस और ये टेंस, आपका जो पहला नंबर होता है वो वंस होता है और दूसरा टेंस होता है। आपने टेंस वंस थोड़ा बहुत पढ़ा है आपके बुक में, तो वंस वंस हमने काउंट किया 6 और फिर टेंस आपका 1 और यहाँ पर कुछ नंबर नहीं तो 0, तो 1 का 1, इस तरह से भी आप काउंट कर सकते हैं। और 16 प्लस 3, डायरेक्ट आप 16 आफ्टर 3 भी काउंट कर सकते हो 17 18 19, तो जैसे आपको सूटेबल पड़े आप वैसे काउंट करें। 11 प्लस 1 11 प्लस 1 12, ये आपको अगर सीधा सीधा पड़ता आप ऐसे करो, अगर आपको वंस वंस काउंट करके और टेंस करके भी करना तो भी आप कर सकते। पहले वंस वंस प्लस कर लो 7 प्लस 1 8, देन फिर 1, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 101, इस तरह से 1 प्लस 9 10, 10 का 0, 1 कैरी ऑन, 1 पर आपने कैरी कर दिया तो 1 प्लस 1 2। तो स्टूडेंट आप इस तरह से भी आप एडिशन कर सकते हैं आपका, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एडिशन है ये आपका, दोनों तरीके से आपको आना चाहिए स्टूडेंट। ओके, आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है आपके वर्कबुक में सारा। आप अपने पहले आप अच्छे से काउंट करिए, फिर आप राइट करिएगा। ओके स्टूडेंट, आप वर्कबुक में ये कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके बाय स्टूडेंट।